हेलो बच्चों, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि पढ़ने में तो सब अच्छा लगता है, पढ़ भी लेते हैं, थ्योरी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सवाल बनता ही नहीं है, है ना। तो आज हम आपको कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताएंगे, डॉपलर इफेक्ट का सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर आप इस वीडियो को 10-15 मिनट हम आप देख लेते हैं, ठीक से पढ़ लेते हैं, तो आपका सारा क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का बन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। और डॉपलर इफेक्ट का जो थ्योरी है, डेरिवेशन, वो हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है हम लिंक में डाल रहे हैं नीचे, वो आप लोग देख लीजिएगा, तो उससे उसका थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम बनाने के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझने के लिए देख सकते हैं। और अभी जो हम फॉर्मूला आपको देने जा रहे हैं, मास्टर फार्मूला, सारा प्रॉब्लम जो है वो इसी से बनेगा। तो डॉपलर इफेक्ट का जो मास्टर फार्मूला है, देखिए, सबसे पहले जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे एन डैश इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट, नीचे वी प्लस माइनस वी एस और इंटू एन। और भी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एन जो है ये क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। एन क्या है साहब? एन जो है ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना। और एन डैश क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो आप सुनते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं। अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है, भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड है। और वी ओ क्या है? वी नॉट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो सोर्स और ऑब्जर्वर तो क्लियर है, जो सुनता है, जो ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जर्वर है ना, और जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो क्या है? वो सोर्स है ना। मान लीजिए कि कोई भी बस हॉर्न देते हुए अगर आपके पास आ रही है, तो बस क्या हुआ? सोर्स। और हम क्या हैं? ऑब्जर्वर, ठीक है। और इस मास्टर फॉर्मूला को याद रखने का तरीका, देखो, वी नॉट में, ऑब्जर्वर में ऑपरेशन हमेशा ऊपर होता है, ऑब्जर्वर में ऑपरेशन हमेशा ऊपर होता है, और सोर्स में ऑपरेशन हमेशा नीचे होता है। इसको याद रखने का तरीका यह है, ऐसे याद रखिए, ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर होता है। जैसे बोलते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो ऊपर वाला ऑब्जर्वर है। बात समझ गए ना, क्या कहना चाह रहे हैं, समझ गए ना? तो इसलिए भी वो ऊपर रहेगा और सोर्स जो है वह नीचे रहेगा, तो ऐसा याद रहेगा। और प्लस माइनस तो दोनों में रहेगा। और इसमें कितना फार्मूला शामिल है एक साथ बताओ तो? एक साथ 6 फार्मूला इसमें शामिल है, जिस फार्मूले को हम चाहें निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो कोई भी इसका जैसे जनरल क्वेश्चन है, वो आपका इस फार्मूले से बनेगा। कैसे बनेगा? तो पहले तो इसके एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल पर क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे मान लो, सपोज कि यहाँ पर सोर्स है और सोर्स दूर जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, और यह जो फ्रीक्वेंसी सुनता है, ये 300 Hz की फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपका सोर्स है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्जर्वर जो है क्या सुनेगा, एनडेस क्या होगा? अब मान लीजिए हमको कुछ पता नहीं है, इस फॉर्मूला से सारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इसी से निकलेगा। कैसे निकलेगा बताइए? ऑब्जर्वर जो है पहले तो रेस्ट में है, तो इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे? वी ओ को पहले रेस्ट में करेंगे। अब जरा देखिए तो किसके लिए कौन सा फॉर्मूला लागू होगा? ऊपर ये 0 कर दिया, नीचे क्या? वी प्लस माइनस वी एस इंटू एन। अब सवाल है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा? सवाल है कि यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा? क्या होगा? तो क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, इसलिए कि सोर्स जा रहा है दूर, ऑब्जर्वर सुनेगा कम, तो कम के लिए नीचे प्लस होगा तभी कम होगा, और नीचे माइनस होगा तब ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए? प्लस। तो ये फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आया? अब बाकी मान लीजिए कि हम आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है 330 मीटर पर सेकेंड दे रहे हैं, ये तो हम कहिए
ये वैल्यू हमेशा बैठा सकते हैं, और अगर क्वेश्चन दे 332 तो 32 लेना है, जो क्वेश्चन दे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बैठा लेंगे तो वी का वैल्यू कितना, 330, नीचे 330 प्लस कितना 40, एन कितना 300, ये कैलकुलेट कर लिया जो भी आ जाए, तो 330 है नीचे इंटू 300, ये खत्म ये खत्म, अब जो आ जाए ये आपका आंसर हो गया। अब तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें, बोलिए, है ना, तो कैलकुलेट करके जो मिला सो आपका आंसर हो गया, बोलिए, कोई तकलीफ इसमें, ये बात क्लियर। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन इसका बनेगा कि नहीं, और इसी क्वेश्चन में हम ये दे दें कि भाई सोर्स इधर आ रहा है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, बात समझ गए ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्लियर, बात समझ गए। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसके आधार पर आपका कहानी इसका खत्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिर अब इसमें बढ़िया क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया जाता है, इफेक्ट ऑफ विंड को लगाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया जाता है, इफेक्ट ऑफ विंड को लगाया जाता है। तो विंड का जब इफेक्ट होता है तो इसके लिए जो मास्टर फॉर्मूला होता है, इफेक्ट ऑफ विंड, देखिए अगर क्वेश्चन में विंड की कोई चर्चा नहीं है, हवा की कोई चर्चा नहीं है, क्वेश्चन शांत है, ताप भी शांत रहिए, नहीं कुत्ता कटा है, क्या मतलब, क्वेश्चन हवा की कोई चर्चा नहीं कर रहा था, हमको क्या को करना, तो फिर ये लगाएंगे, सीधा बात है। लेकिन अगर हवा की चर्चा कर दे फिर तो लगाना है ना, ये तो बताया ही है और ध्यान भी रखना है। अब मान लो क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन की कोई चर्चा नहीं है, आपको क्यों करना, कुत्ता कटा है ना, हम भी नहीं करेंगे। हाँ लेकिन अगर चर्चा कर दे तब तो करना ही होगा, है ना, तो अगर हवा की चर्चा कर दे तो फिर हवा की बात करेंगे अब, और ऐसे इसका मतलब है कि हवा को हम शांत मान रहे हैं, तो फिर जो जनरल फॉर्मूला आपके पास ये बनेगा। पहले तो 6 केस है, तो इस टाइप का कम से कम 6 क्वेश्चन तो बन गया कि नहीं बना, ठीक है, उसी में डाटा बदलते जाइए, क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, है ना, डाटा बढ़ाते जाइए, क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। अब आइए इसमें इफेक्ट ऑफ विंड से रिलेटेड, अगर विंड का इफेक्ट हो तो एनडेस इक्वल टू, अब जो यहां पर आपको फॉर्मूला लेना है, पहले तो वी प्लस माइनस वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी नॉट वी प्लस माइनस वी डब्ल्यू इंटू एन, यही ना। अब यहां पर देखो, आपको याद ये रखना है कि हवा जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्टेड करता है, हवा किसको इफेक्टेड करता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्टेड करता है, सोर्स को इफेक्ट नहीं डालता, नहीं ऑब्जर्वर को, नहीं तो सोर्स को और नहीं तो ऑब्जर्वर को, ठीक है। और देखो आप इसको याद रखने का तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, फिर यही फॉर्मूला को आप खाली लिख लीजिए, देखिए तरीका बता रहा हूँ, हालांकि ये सही लिखे हैं लेकिन हम याद रखने के लिए इसको मिटा रहे हैं, अभी तुरंत फिर लिखेंगे, आप इसी फॉर्मूला को लिख लीजिए, हम यही फॉर्मूला है ना, या देखिए तो सेम फॉर्मूला है ना। अब क्या करना है कि अगर हवा का असर होता है, हवा का असर होता है तो फिर यहाँ पर क्या करना है, हवा का जो वेलोसिटी है विंड का जो है वो यहाँ पर प्लस माइनस कर दीजिए, बस यही तो करना है। तो अब ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, सो बोलिए, yes, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में जो एयर का स्पीड है, जो एयर का स्पीड है, जो विंड का स्पीड है, उसको प्लस माइनस कर देना है, ठीक है। अब सवाल है कि प्लस होगा या माइनस होगा, वो सिचुएशन बता देगा, कैसे बता देगा, तो आइए हम इसका एक सिचुएशन आपको दे रहे हैं, इससे भी सारा क्वेश्चन फिर क्लियर होगा। देखिए इसका आपको सिचुएशन हम दे रहे हैं, पहले तो सिचुएशन को देख करके आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां पर सोर्स है, क्या है ये सोर्स है, और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर है। सोर्स जो है जा रहा है इधर, वेलोसिटी जो है सोर्स का मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड, सोर्स का कितना वेलोसिटी है, थोड़ा इधर कर देता हूं इसको मैं,
50 मीटर पर सेकंड, ये Vs, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, हवा को मान रहे हैं इधर आ रहा है, हवा इस डायरेक्शन में है, VW, VW मान लेते हैं सपोज 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, और यह जो सोर्स है, यह जो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, मान लेते हैं 500 हर्ट्ज, है ना, और निकालना आपको एन डैश है, ये आपका टारगेट। पहले तो फिगर बना करके, ये आपके ये सिचुएशन, इसी बात को हम लैंग्वेज में बोलेंगे तो आपको, हमको लिखने में 5 मिनट उसको लग जाएगा, तो बस सिचुएशन यही है, सिचुएशन तो आपके सामने होगा, उसका फॉर्मूला लिखना है ना। तो पहले अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका, सिचुएशन ये आपके सामने है, ठीक है। तो तरीका क्या होगा, पहले जो है विंड को आप छोड़ दीजिए, पहले आप इसी के आधार पर फॉर्मूला को लिखिए, जो ऊपर वाला जो हम आपको दिए हैं मास्टर फॉर्मूला, ये भी है, इसके आधार पर क्या फॉर्मूला होगा बताइए। तो सोर्स नज़दीक आ रहा है कि दूर, ऑब्जर्वर किस में है, ऑब्जर्वर है रेस्ट में, तो इसका मतलब इसको जीरो करेंगे, भी उसके बाद भी प्लस माइनस इनटू, अब यहाँ पर देखो प्लस होगा कि माइनस, दूर जा रहा है कि, ये देखो सोर्स जा रहा है किधर, ज्यादा सुनेगा कि कम, कम, तो कम कब सुनेगा, जबकि यहाँ पे तभी ना, नीचे प्लस होगा तो कम होगा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक बात। अब यहाँ पर देखो, पहले तो हम ये लिख लिया बिना विंड के, अब विंड को देखना है, अब क्या करना है, विंड को देखना है। अब ये बताओ कि विंड क्या कर रहा है, सपोर्ट या अपोज, देखिए आराम से, विंड क्या कर रहा है, आदमी यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ है, हवा उधर से चल रही है, तो ज़्यादा सुनेगा हवा की वजह से, सपोर्ट, सपोर्ट जैसे होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में जुट जाएगा, सपोर्ट जहाँ हुआ तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड में इसको जोड़िए, तो ये प्लस VW और यहाँ भी प्लस VW, तो कब प्लस कब माइनस, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब सब कुछ आपके सामने है, फॉर्मूला मिल गया, मेन तो यही काम है, ये अगर जहाँ लिखा गया तो क्वेश्चन आपका बन गया, है ना। फिर सबको यहाँ वैल्यू बैठाएंगे, बोलिए भी का वैल्यू कितना, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330, हवा का स्पीड 40, फिर यहाँ पर 330, फिर ये 40, उसके बाद Vs का वैल्यू कितना, 50, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो कितना हो गया साहब, 370, और ये 420, 500, ये मैदान साफ है ना, तो 30 × 50 कितना आया, 440.4, इतना आ रहा है, कैलकुलेट भी कर लिया, चलो बढ़िया बात है, तो इसको कैलकुलेट एक बार फिर से चेक कर लीजिए, तो जो आए वो आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत इसमें, ये समझ गए ना, अब जो भी आ जाए हम इसको अप्रोक्स कर देते, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट, तीसरे का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। अब इसी में हम चेंज कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि ये जो सोर्स जा रहा था ना, इसको अब हम इधर कर दे रहे हैं, इधर कर दिया, और सोर्स का जो है यहाँ पर वेलोसिटी दे देते हैं, नहीं 30 दे दिया, 30 मीटर पर सेकंड। तब इसके हिसाब से पहले फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा ये बताइए, सोर्स वाला ये माइनस हो जाएगा, बाकी कोई चेंज तो यहाँ पर माइनस होगा फॉर्मूला में, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, अब डाटा तो चेंज किए हैं, है ना, तब फिर यहाँ पर हम लोग डाटा को चेंज करें और इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, बात समझे कि नहीं। तो बोलिए साहब, ये भी तो वही लिया हम, 330, हवा का 40, और नीचे फिर 330, ये 40 माइनस कितना, माइनस 30, अब चेंज कर दिया डाटा, हम इसके आंसर लेना है, डाटा के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं, वो हमने चेंज किया आपका, 370, बोलिए
ये कितना हो जाएगा 340 500, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो 370 इंटू 50 नीचे 34। अब जो भी आ जाइए आपका आंसर, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है। और अब देखो हमने क्या कहा कि विंड जो है हमेशा ही वेलोसिटी ऑफ साउंड पर असर डालता है। विंड किस पर असर डालता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड पर असर डालता है, सोर्स के वेलोसिटी पर नहीं। नहीं तो जरा सोचो कि मान लो बस आ रही है इधर 30 मीटर पर सेकेंड से और हवा उधर 40 मीटर पर सेकेंड हम करते हैं अभी, तो पता चलेगा कि बस उधर जाने लगा, तो ऐसा होता है क्या? तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा ही हवा का जो असर होगा वो किस पर होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड पर होगा। हवा का असर किस पर होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड पर होगा। बात समझ गए? तो इसलिए विंड का वेलोसिटी का ऑपरेशन जो है वो इसी पे करना है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? समझ गए? और एक और सिचुएशन हम दे रहे हैं, और ये कहा जाए कि इस टाइप का सबसे अच्छे स्तर का क्वेश्चन। बस इसमें विंड भी हम दे रहे हैं, इसको इधर किया, सोर्स को इधर किया, ये मान लो 40 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्वर 30 मीटर पर सेकेंड, हवा इधर ये मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से हवा जा रही इधर, एन जो है ये 200 HZ, एन डैश आपको निकालना है साहब, एन डैश निकालना है, निकलेगा? बिल्कुल निकालिए, पहले तो हमको फॉर्मूला बता दीजिए। देखिए पहले तो फॉर्मूला बताइए, पहले छोड़ दो विंड, इसके आधार पर फॉर्मूला लेना, ठीक ना? हाँ बोलो साहब, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? वी प्लस वी नॉट वी, हाँ अभी इसमें विंड नहीं जोड़े हैं हम, टेक्निक यही है, देखो याद रखने का तरीका, कुछ रटने की जरूरत नहीं, टेक्निक यह है, यहाँ पर ट्रिक यह है। तब पहले तो ऐसे लिख दिया, अब हवा देख लो क्या कर रहा है, हवा सपोर्ट या अपोस, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है इधर जा रहा है और हवा उसकी तरफ आ रहा है, तो ऑब्जर्वर को क्या कर रहा है ये देखना, बस को क्या कर रहा है ये नहीं देखना है, सुनेगा तो ऑब्जर्वर, हवा उसकी तरफ चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ देख लो क्या कर रहा है, यहाँ इसको तो देखो, ये इसका डायरेक्शन इधर दिया हुआ है ना, हाँ ठीक बात, इसका डायरेक्शन इधर दिया हुआ है, इसका मतलब हवा क्या कर रहा है इसमें? अपोज कर रहा है, बात समझ गए? अपोज करने का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड में माइनस होगा, तब यहाँ पर वी डब्ल्यू, यहाँ भी वी डब्ल्यू, बोलिए फॉर्मूला लिखा गया, हो गया। अब क्या फिर सबको कैलकुलेट करना है? बोलिए 330 माइनस कितना 50 प्लस कितना 30, फिर 330 माइनस कितना 50, उसके बाद माइनस 40 और एक्चुअल 200 दिए हुए हैं, तो कितना हो गया साहब बोलिए तो? 360 हो गया ना, और 50 माइनस हुआ 310 ना, और ये कितना हो गया बोलो? 330 में 90 चला गया, कितना हो गया? 240, और यहाँ पर ये 200, तब इसको लिखिए, कैलकुलेट करिए, है ना? तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, आप लोग भी लिखिए जरा, तब तक इसको पॉज कर लीजिए नितेश को। देखिए अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपको डॉपलर इफेक्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चन पर, जो कि ऑलरेडी आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो क्वेश्चन कोई भी हो, इवन ये क्वेश्चन आपका आईटी में आया हुआ है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, ए सायरन प्लेस्ड एट द रेलवे प्लेटफॉर्म इज इमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 kHz। कोई भी सायरन है यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है? 5 kHz।
5 किलो हर्ट्ज के एच जेड का मतलब हुआ किलो हर्ट्ज, मतलब 5000 एच जेड, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन ए, कोई भी ट्रेन ए है यहाँ पर, ये ट्रेन ए है, रिकॉर्ड ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.5 किलो हर्ट्ज। यहाँ पर ये कितना रिकॉर्ड किया फ्रीक्वेंसी, 5.5 किलो हर्ट्ज, व्हाइल इन द ट्रेन अप्रोचेस द सायरन, जब ट्रेन सायरन को अप्रोच कर रहा था, जब ट्रेन सायरन के तरफ जा रहा था। अब फिर क्या करे, दूसरा सिचुएशन देखिए, ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी इन द डिफरेंट ट्रेन बी ही रिकॉर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलो हर्ट्ज। करे कि जब वो दूसरे ट्रेन में उधर से आ रहा था, तब देखता है, तब जो उसका फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करता है, मान लो ये इधर से आ रहा हो दूसरे ट्रेन में रिटर्न जर्नी में, तब कह रहा है कि ये कितना रिकॉर्ड करता है, 6 किलो हर्ट्ज। तो अब इस स्थिति में जो रिकॉर्ड कर रहा है ये 6 किलो हर्ट्ज, मतलब 6000 हर्ट्ज, व्हाइल अप्रोचेस द सेम सायरन, जब सेम सायरन को ये अप्रोच कर रहा है, जब सेम सायरन की तरफ ये बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी टू दैट ऑफ ट्रेन ए, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ बी, ट्रेन बी का वेलोसिटी कितना मान रहे हैं हम, वी भी मान रहे हैं और ए का क्या मान रहे हैं हम, वी ए मान रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसका सिचुएशन लें, अब यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, पहले तो ये बताओ। अब इसमें ये क्या है, सोर्स है, और ये क्या है, ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स के तरफ, स्टेशनरी सोर्स, क्या फॉर्मूला होगा साहब बोलो तो, ऑब्जर्वर जा रहा है स्टेशनरी सोर्स के तरफ, ऑब्जर्वर में ऑपरेशन ऊपर ज्यादा सुनेगा कि कम, ज्यादा, तो वी प्लस वी नॉट और नीचे क्या वी आर इंटू एन, कोई तकलीफ इसमें, और एन डेस्ट आपको दिया हुआ है ही, कितना है 5.5 किलो हर्ट्ज, आप किलो हर्ट्ज में भी ले सकते हैं, ये रेशियो है ऑलरेडी कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो उसको हटाइए, या हटाना चाह भी रहे तो हटा लीजिए, क्या दिक्कत है, इतना हो गया। और ये तो साउंड की वेलोसिटी है ना साहब, ये साउंड की वेलोसिटी है कितना 330, अब प्लस वी नॉट जो है ये ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, यही ना हम ट्रेन ए का वेलोसिटी मान रहे हैं, इसी को मान लेते हैं हम वी ए, वी ए हमको चाहिए, और नीचे भी ये भी 330, हालांकि ये दिया हुआ आपको नहीं है तो इतना मान सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये भी आपको खत्म हो जाएगा, ये आप नहीं भी मान सकते, ऐसे भी आपका मैदान इसका साफ हो जाएगा, है ना, तो थोड़ी देर के लिए हम भी रख देते हैं, हो सकता है ऐसे ही साफ हो जाए, और आपका ये भी आई इंटू एन कितना है बोलिए, एन मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना 5000। तो अब आप बताइए क्या यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत है क्या, तो ये जीरो जो है वो तो मैदान साफ हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 55, नीचे हो गया 50, और ये कितना हो गया 1 अब प्लस वी ए अपॉन वी, कोई तकलीफ इसमें, इस 1 को इधर कर दीजिए 55, नीचे 50 माइनस 1 वी ए अपॉन वी, तो ये कितना हो गया साहब, एलसीएम लीजिएगा तो 50 हो गया ना, अब 55 में गया 50 तो 5 हो गया, नीचे कितना वी ए अपॉन वी, कितना हो गया वी ए अपॉन वी साहब 1/10, इसको एक बार हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे वी ए अपॉन वी हो गया आपके पास 1/10, चलिए इसको रहने देते हैं, ये पहला सिचुएशन से तो मेरा काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, दूसरा सिचुएशन लेना है, ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा सिचुएशन लेना, अब इधर से लेना है, ठीक है, इधर से। अब जरा इसके लिए फॉर्मूला बताओ, देखो ये क्या है, सोर्स है, सायरन तो यही है ना, तो सोर्स तो यही प्रोड्यूस कर रहा, और ट्रेन पर यहाँ पैसेंजर बैठा हुआ है, सायरन का फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, ये इधर से आएगा तो ये क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर आ रहा है सोर्स की तरफ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये ज़्यादा सुनेगा कि कम, ज़्यादा ही सुनेगा, तो जरा बोलिए तो अब एंडेस का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर, अब यहाँ देखो ऑब्जर्वर आ रहा है प्लस, तो यहाँ पर ये भी हो गया, नीचे क्या भी आई इंटू, कोई तकलीफ इसमें, एंडेस कितना कितना सुन रहा है, तो 6000 भी प्लस भी अपॉन भी एन कितना
ओरिजिनल 5000। अब ये बताओ तीनों जीरो खत्म हो गया ना, इसलिए बोले इसमें यूनिट चेंज करने की आवश्यकता, इसलिए इतने रेशियो है दोनों तरफ है, इसलिए इसका तो मैदान साफ हो गया। तो ये कितना हो गया साहब, 6/5 हो गया, और ये कितना हो गया देखिए, तो 1+VV/V। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब फिर 1 को इधर कर लीजिए आप, कोई दिक्कत इसमें? आइए इसको हम इधर लिख देते हैं थोड़ा, है ना, ये तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास है ही, लीजिए। तो ये 6/5 -1 = VV/V कितना हो गया बोलिए तो साहब, 1/5 VV/V। ये इक्वेशन 2, यहाँ पर फर्स्ट हमको चाहिए क्या, VV/VA चाहिए, डिवाइड कर दीजिए साहब दो में एक को, VV/V और यहाँ पर VA/V कितना हो गया, 1/5 10/1, यही ना जी, ये खत्म हो गया। तो VV/VA आंसर कितना हो गया साहब, तो VV/VA आंसर आपको मिल गया 2, और ऑप्शन में आपके पास ये आंसर है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, आई बात समझ में, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो क्या इसमें कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट है, कोई बनेगा कि नहीं आराम से? तो आईटी का क्वेश्चन तो डरने से कुछ नहीं होता, डरना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बस वही है, चाहे क्वेश्चन किसी का भी हो, है ना, तो फॉर्मूला बिल्कुल वही लगा, कोई तकलीफ इसमें? ये समझ गए? और अब आइए इसमें एक और टाइप का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट लेकिन क्वेश्चन बनाना आसान। और इसके लिए हम आपको क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, यह भी जो है आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लीजिए हम क्वेश्चन का सिचुएशन आपको दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए विसल इमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 Hz, कोई भी विसल 440 Hz की फ्रीक्वेंसी को वह प्रोड्यूस कर रहा है, इज टाइड टू ए स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग से घुमा दिया जाए। जरा देखिए पलक, इसका जो कंसेप्ट है वो समझ लीजिए कि क्या होता है। मान लीजिए सपोज कि कोई भी, ध्यान दीजिए, मान लीजिए वहां पर कोई भी आदमी खड़ा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि एक लंबा स्ट्रिंग लेकर के उसमें व्हिसिल बांधे हुए है और उसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, सर्किल में घुमा रहा है, और हम ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, और वो दूर में खड़ा व्हिसिल कैसे घुमा रहा है सर्किल में। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब हम सुनेंगे और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनेंगे, तो देखिए अगर इस तरह से घुमा रहा है व्हिसिल को सर्किल में, पहले इस तरह से हम घुमा रहे हैं, आप ये बताइए कि किस समय हम मैक्सिमम सुनेंगे, वो घुमाने वाला कोई और है ऑब्जर्वर, ठीक है, हम ऑब्जर्वर हैं वो सोर्स है, तो जब सीटी यहाँ पर होगा, व्हिसिल यहाँ पर होगा, इधर आता हुआ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, और जब व्हिसिल उधर जाता हुआ होगा कम से कम सुनेंगे, और जब यहाँ पे होगा तब तो इसका डायरेक्शन इधर होता, और जब वहाँ पर होगा तो उसका डायरेक्शन इधर होता, तो उसमें कोई भी डॉपलर इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, इसलिए कि मेरे तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी व्हिसिल को इस तरह से घुमा रहा और ऑब्जर्वर यहाँ पर, सपोज ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो जब मान लीजिए इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो जब व्हिसिल इधर जाती हुई होगी तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, और जब व्हिसिल इधर जाती हुई होगी कम से कम सुनेंगे, है ना, और जब यहाँ पर होगा तो इसका डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, यहाँ पर होगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर जब वेलोसिटी होगा तो इसका कोई कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ नहीं होता, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है हमेशा ही उस पॉइंट पर टेंजेंशियल होता है, हमेशा उस पॉइंट पर टेंजेंशियल होता है। तो यहाँ भी देखिए टेंजेंट लिया, यहाँ भी टेंजेंट लिया, यहाँ भी टेंजेंट लिया, यहाँ भी टेंजेंट लिया, तो यहाँ अगर होगा तो डायरेक्शन इधर, इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं,
इसका भी कोई कंपोनेंट इधर नहीं, तो इस दोनों से कोई फर्क नहीं, कोई डॉप्लर इफेक्ट नहीं। बात समझ में आया? तो इससे होगा और इससे होगा। तो मान लीजिए जब इसका जो भी यहाँ पर वेलोसिटी होगा, क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए रेडियस दिया हुआ होता है, ओमेगा दिया होता है, एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हमको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो जैसे देखिए मान लीजिए अगर ये, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, सोर्स यही ना हुआ, फ्रिक्वेंसी छोड़ा है वी एस, यहाँ पर भी ये वी एस, ये ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा जरा बताओ तो साहब, एन डेस इक्वल टू, बोलिए साहब, हाँ बोलिए भी, चूंकि पहले तो हम इसके लिए बात करें जब ये इधर नजदीक आ रहा है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स में ऑपरेशन है, तो क्या हो जाएगा, सोर्स में ऑपरेशन है तो प्लस की माइनस, ज्यादा सुनेगा माइनस, तो पहला केस में तो ये हो गया, ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? अब यही जो वी एस है ना साहब, हो सकता है भी डायरेक्ट नहीं दे करके क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया बनाने के लिए इसको हमको ओमेगा आर में कन्वर्ट करना पड़ता है, भी डायरेक्ट नहीं दे करके ओमेगा दे दिया, आर दिया, ओमेगा आर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। फिर अब यहाँ पर देखिए, अब मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम के लिए ये उधर जाएगा तो मिनिमम होगा भी, और नीचे भी प्लस, अब यही ओमेगा आर प्लस हो गया इनटू एन। बोलिए कोई तकलीफ है इसमें? तो अब एक अंदर टाइप क्वेश्चन होता है। अब देखिए आईटी का जो क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन करा ए विसल एमटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 Hz, विसल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 440 Hz, ठीक है, टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ 1.5 मीटर लेंथ, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर लेंथ, और एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है साहब कितना दिया हुआ है, 20 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर स्टेशन एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द विसल, और स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये तो एक्चुअल हुआ ना, है ना, ये आपका एक्चुअल आपका ये होगा, और यहाँ जो सुनेगा ये ऑब्जर्व होगा, है ना, और ये दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब समझ में आया क्वेश्चन, तब आराम से बनेगा कि नहीं। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा और क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, तो दोनों फॉर्मूला हमारे पास सामने है, मैक्सिमम के लिए लगा दीजिए। बोलो साहब, चलो पहले मिनिमम ही निकाल लेते हैं, मिनिमम अभी सामने फॉर्मूला दिया हुआ है, भी 330 ओमेगा, बोलो साहब 20, रेडियस बोलो ओमेगा होगा ना 1.5, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बोलो 440। अब इसको साफ सॉल्व करिए, कितना आता है ऊपर 330, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 30 ना इंटू 440, तो कितना होगा साहब, 330 440 या नीचे कितना साहब, बोलिए 360, ये खत्म, तो 330 इंटू 44 और नीचे 36, तो जो आए ये आपका आंसर। और ये फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, मिनिमम, लेकिन इसमें आपको निकालना है मैक्सिमम भी, तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे साहब, फॉर्मूला आपके पास सामने है, मैक्सिमम के लिए ये फॉर्मूला है ना, फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला लगेगा ना, तो बोलिए एनडेस इक्वल टू कितना, फिर भी कितना हो जाएगा 330, और नीचे फिर यहाँ 330, अब यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा ना, माइनस ओमेगा, ओमेगा कितना, फिर 20, 1.5 इंटू क्या, एन कितना 440, तो 330, और नीचे क्या हो गया ये 30, तो ये 300 हो जाएगा ना, अब ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो, तो ये 360 था, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, ये
बोलिए 330 और माइनस ये आपका 30 होगा ना इंटू 440, तो बोलिए साहब कितना हो गया 330 300 ना, और यहाँ पर 440। अब अप्रॉक्स कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपका आया, ये तो सीधा 11 हो गया, ये तो डायरेक्ट आ रहा है 11 × 44 कितना आ रहा है बताओ साहब 400। बिल्कुल सही बात, और यही आपका आंसर भी है, दिस इज योर आंसर। ये आपका मैक्सिमम के लिए, और इधर आपका जो हुआ मिनिमम के लिए, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। आई बात समझ में, ये कितना आया, बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी यही आंसर है 403.3 Hz। बोले साहब कोई तकलीफ इसमें, क्लियर हुआ कि नहीं? तब डॉपलर इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा, आप बना के देखो, ठीक है? बोले इसमें कोई दिक्कत है तो इसको आप लोग लिख लीजिए, जरा आप भी पॉज कर लीजिए, ठीक है।